अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ एक बहुत ही मज़े की रेसिपी जिसका नाम है पोटैटो वेजीज, जो मैं बहुत ही इजी एंड क्विक तरीके से बनाऊंगी और आप लोग भी अपने घर पे इजीली बना सकते हैं। पोटैटो बहुत से लोगों को बहुत से पसंद होते हैं, हम फ्राइज बना के खाते हैं पर वो ऑयली हो जाते हैं, जिनसे हमारा गला भी ख़राब हो सकता है और हमारा वेट भी ज़्यादा हो सकता है। जब हम इसको बेक करके बनाते हैं तो हमारे लिए ये ज़्यादा अच्छा है कि हम इसको बेक करके खाएं, तो आप भी कोशिश किया करें कि पोटैटोज़ को ज़्यादा बेक करके खाया करें। तो फिर चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। तो सबसे पहले हमें चाहिए 7 मीडियम साइज़ के आलू, हसबे जायका नमक, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून जायके के लिए वाइट पेपर, 2 टीस्पून लहसुन पाउडर, 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल। इसको हम सेंटर से कट करेंगे और इसको मोटा मोटा ही रखेंगे, इसके 2 पीसेस इस तरह। तो ये देखें हमारे पोटैटोज कट हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे जो हमने इसको मसाला लगाना है। सबसे पहले मैं डालूंगी ऑलिव ऑयल, उसके बाद ऐड कर रही हूँ नमक, उसके बाद काली मिर्च, वाइट पेपर, लहसुन पाउडर और थोड़ा सा स्पाइसी करने के लिए लाल मिर्च। थोड़े से हमारे वेजेस स्पाइसी हो जाएंगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये देखिए जी, हमने इसको मसाला बहुत अच्छे से लगा दिया है। अब हम इसको करते हैं बेक। बेक के लिए मैं बेकिंग ओवन को ऑन करूँगी और उस पर बटर पेपर रख के फिर इसको हम उस पर डाल देंगे। ये देखिए जी, हमारा ट्रे रेडी है, मैंने इसके ऊपर बेकिंग पेपर रख दिया। अब मैं इस पोटैटोज को इनके ऊपर रखूँगी। तो ये देखिए जी, मैंने इसको ट्रे में लगा दिया। अब मैं इसको हल्का सा गार्निश करूँगी। हम इस पर डाल देंगे थोड़ा सा पार्सले। हाँ जी, तो हमारे ये वेजीज बेक होने के लिए रेडी हैं। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा टेस्ट देने के लिए और यमी करने के लिए यहाँ पे कट कर दिया चीज़। चीज़ को मैं इसके ऊपर ऐसे डाल दूँगी। ये देखिए जी, मैंने इसके ऊपर चीज़ ऐड कर दिया। ये कितने यमी लग रहे हैं। और अब हम बेकिंग ओवन को खोलेंगे, इसको इसके अंदर डाल देंगे और हम इसको लगा देंगे 30 मिनट्स का टाइम। तो आज हमने हमारे किचन में बनाए हैं पोटैटो वेजीज, जो बहुत ही यमी बने हैं और आपने देखा है कि ये कितने मज़े के लग रहे हैं और इसको देख के दिल कर रहा है कि हम इसको खाते जाएं। आप इसके साथ गार्लिक केचप और गार्लिक सॉस यूज़ कर सकते हैं, उसके साथ ये बहुत मज़े की लगेगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की मज़े मज़े की वीडियोज़ देखने के लिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।